नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार दोपहर से लापता 5 साल की बच्ची का शव 3 दिन बाद उसी मलती से बरामद कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 3 दिनों से जिस बच्ची की तलाश में पुलिस ने इलाके के 1000 से ज्यादा फ्लैट छान डाले थे, उसकी लाश घर के ठीक सामने वाले फ्लैट में पानी की टंकी से बरामद की गई। पुलिस ने फ्लैट से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस को बच्ची की हत्या की आशंका है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं बच्ची का शव मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि 5 साल की बच्ची मंगलवार दोपहर में अपनी मल्टी स्थित फ्लैट में दादी के साथ मौजूद थी। बच्ची किताब लाने का बोलकर निकली, लेकिन जब बहुत देर तक वापस नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू की गई। बच्ची जिस समय गायब हुई थी उसी समय इलाके में नगर निगम की फॉगिंग मशीन भी आई थी, लिहाजा निगम कर्मियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस की कई टीमें बनाई और मल्टी के साथ साथ आसपास के इलाकों में तलाशी शुरू की। इलाके के सभी नालों और अन्य जल स्रोतों की भी तलाशी ली गई। जिस जगह बच्ची रहती थी वहां के करीब 1000 फ्लैट तलाशे गए तो भी पुलिस को सफलता नहीं मिली। अब गुरुवार सुबह पीड़ित परिवार के घर के ठीक सामने फ्लैट में जब पुलिस ने तलाशी ली तो पानी की टंकी में बच्ची का शव बरामद हो गया। पुलिस ने टंकी से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फ्लैट से 2 संदेही महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।